बार एसोसिएशन में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। मौजूद खास तौर से वही है कि अध्यक्ष सेक्रेटरी यहां पर पहुंचे हैं और बतौर अध्यक्ष सेक्रेटरी सीधा सीधा आरोप तहसील अधिकारियों पर लगाए गए हैं कि तहसीलदार और अपर तहसीलदार द्वारा या नायब तहसीलदार द्वारा जो पत्रावली लंबित है उनमें शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है यहाँ के सचिव प्रमोद शर्मा का, आइए सीधा रुख कराते हैं, क्या कह रहे हैं कि वो उसे डील कर ही नहीं सकता, उसके बस की है जानकारी कानूनी से है नहीं, सुनता वो किसी की है नहीं और उसके यहाँ निस्तारण इतना पेंडिंग है कि वकीलों को पसीने आ जाएगा जवाब देने। ये जानकारी हमने एसपी साहब से निकाला, उनको बताया कि पूर्व कार्यकारिणी इसका बहिष्कार भेजा था नायब तहसीलदार का और आप बीच में पड़ के कह रहे थे मैं समझाऊंगा, नया जानकारी ये नया नहीं है, हमने बताया नया नहीं, ये सही मायने में नाम करवा है, एक आदमी को रखा हुआ है, इस पूरी तहसील को एक आदमी नहीं करता है, वो ही फायदे बनवाएगा, वो ही लेन देन करेगा, सारा बोझ उसके ऊपर है। उसका हिसाब ये है कि अगर इन्होंने 8,000 में रखे हैं तो जेल में है, उसने 15,000 ले लिए तो वो उसी दिन फाइल हो जाएगी। मैंने खुद कर देखा कि दो वकीलों को मैंने कहा इससे आज मैं वापस हूँ, मेरे सामने था पहले वापस कर 7,500 के नोट में रखे वो फाइल बात की, तहसीलदार से मेरे पास में झगड़ा भी हुआ विवाद भी हुआ, मैंने ये आप सीरियल वाइज निर्धारण करें या एक अखबार मैं बैठा हुआ आपकी कर्मचारी बता दो उसकी केवल कार्यकारी आप बोल बैठ जाओ आयोजन किसी में कोई कमी है वो कर दो, एक और उन्होंने कर दिया जहाँ संबंधी हो चुकी है आपको जानकारी बताओ जहाँ संबंधी हो चुकी है वहाँ अफिसर ने कौन नहीं देखा जाता आगे का पहली बात तो आपको वो भी देखा जाता आपने देखा था कस्टम नाम किया उसने किया ठीक है तो उसका दाखिल लेकिन हो गया ना इसे समझे इन्होंने ऐसा एक ऐसा दावा बना दिया जैसे दीवानी का दावा दीवानी के दावे की यानी कि टाइटल प्रूफ बना दिया, उसमें 59 भी देख रहे हैं 65 भी देख रहे हैं और इसमें तो जो है कि इसमें नाला है कि इसमें तो खोला है कि इसमें यह करके वो फाइल पैकिंग कर दी जाती है और गड्डी आई वो फिर खोला या वो मसाला खाता तो ढूंढे नहीं मिलता वो तुरंत गायब हो जाता। यहाँ 90% एडवोकेट इस बात से करीब 2 साल से पीड़ित और एक आदमी जो उन्होंने रखा हुआ है उसके बारे में कम से कम 5 साल से मैं देख रहा हूँ, ये कागज इसके साथ दो आदमी होने का ये अकेला आदमी पैसे का लगा कर इसका काम हो रहा था मॉडल लगाने का पैसे देखे इतनी नतमस्तकता में ना भ्रष्टाचार के सामने कर कम्युनिस्ट होने के बाद भी कामरेड होने के बाद भी और नाम भी बदल दिया अपना क्योंकि मैं इसे जीत नहीं सकता इस भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकता मैंने अपने आप के सामने कामरेड हटा दिया और छुटका अधिकारी की पशु जैसा हो गया चारा गांव मार गया उसको जनता और चला और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्यों क्योंकि भाजपा की सरकार में सुनवाई नहीं अपनी बात बचपन से कही है। अगर ये हाल रहा मैं राजनीति बयान नहीं दे रहा हूं मैं अपनी बेगा बता रहा हूं बैंड डाउन और शटर डाउन 21 तारीख में करेंगे। ये होली के टाइम पर हमने किए कि कुछ लोग काम हो वो चल के रहे इसलिए नहीं किया लेकिन 21 तारीख सोमवार भी है शायद उस दिन हम पैन डाउन शटर डाउन और हम प्रेस की भी बंद करेंगे ऐसे साहब का भी बहिष्कार कर देंगे कारण कि सारी जानकारी होने के बाद भी अभी तक कोई ध्यान न देना ये साबित कर रहा है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलाया जाएगा फैसला वहीं धरने पर लेंगे चाहे हमारा पर्सनल इशू नहीं ना मेरा ना दर्जी का फाइल ऑफ रजिस्टर एप्लीकेशन मांगी है मैंने कि जिस जिसकी पेंडिंग में मंगा चुकी है मान से इतनी है कि पखवाड़ा पक्ष यानी 15 दिन या सप्ताह कोई काम ना हो सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज हो लाइन लगा कर पत्रकार भी हो मैं भी फाइल उठा कर देखते रहो किसी में कोई कमी है हम आज वाले मामले में कार्यालय के सामने टेंट लगा हर प्रकार वो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे
एक फाइल के पीछे वो राष्ट्र उसको परेशान करता है जिसका